बी एस सी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड नॉमन क्लेचर है इसका एन जी ओ स्पम टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी हिंदी में हम बोल रहे हैं तो इसे बोलेंगे आवृत बीजी वर्गी की एवं भ्रौकी इस पेपर में चार यूनिट्स हैं फर्स्ट यूनिट में टेक्सोनोमी है फ़र्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ़ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज़ बोटैनिकल नामन क्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नामन क्लेचर और इसके अलावा टैक्सोनॉमिक लिटरेचर भी इसी में है जिसमें फ्लोरा गार्डन हर्बेरिया मोनोग्राफ्स आइकन्स लाइब्रेरीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासीफिकेशन इसमें हमें पढ़ने हैं दो क्लासीफिकेशन मैंथम एंडर और एंगलर एंड ब्रेंटल सिस्टम ये तो हुआ कॉमन जनरल जो टेक्सोनोमी के स्टार्टिंग में टॉपिक्स आते हैं जनरल टॉपिक्स इसके बाद स्टार्ट होता है इसमें फैमिलीज़ तो फैमिलीज़ हमें पढ़नी है इसमें डाइवर्सिटी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स एलस्ट्रेटेड बाई मेम्बर्स एंड इकानिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज रेननकुलेसी फर्स्ट है रैनन कुलेसी तो ये जो रैनन कुलेसी फैमिली है ये मोस्ट प्रमेटिव फैमिली है इसमें जो प्लांट आते हैं वो हैं डेल्फीनियम जिसको हम कॉमनली लार्क्स पर कहते हैं यह ऑर्नमेंटल प्लांट होता है इसके बाद है ब्रेसिकेसी मतलब क्रूसीफेरी जिसमें मस्टर्ड पड़ते हैं हम सरसों नेक्स्ट है पेपेवरेसी पेपरेसी में आते हैं प्लांट्स जो पॉपी पॉपी फैमिली है ये जो अफीम होता है वो इसी में आता है मालवेसी मालवेसी में चाइना रोज आप लोग सब जानते हैं चाइना रोज गुड़हल जिसे कहते हैं इसके बाद फेबेसी लैग्योमोसी भी बोलते हैं इसे इसमें पल्सेज आती हैं दालें फिर है कैरियोफिलेसी कैरियोफिलेसी में डाइंथस ऑर्नामेंटल प्लांट्स ज़्यादा हैं इस फैमिली में और ये है लास्ट इसमें जो फैमिली है वो है एपीएसी या अम्बेलीफेरी अम्बेलीफेरी नाम बना है इनफ्लोरेसेंस से अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस से छत्रक जिसे हम बोलते हैं तो इसमें आते हैं सौफ धनिया मतलब जिनमें अम्बेल इनफ्लोरेसेंस होता है फिर है यूनिट टू यूनिट टू में वापस वही फैमिलीज़ हैं बहुत सारी पहली है फर्स्ट इसमें रूबीए सी रूबीए सी में आती है कॉफ़ी फिर एस्टरेसी एस्टरेसी को हम बोलते हैं कंपोजिटी भी बोलते हैं इसे जिसमें कि ये सनफ्लावर मैरीगोल्ड सूरजमुखी गेंदा ये आते हैं एस्टरेसी के बाद है एपोसाइनेसी एपोसाइनेसी फैमिली में लेटेक्स प्रेजेंट होता है इसके मेंबर्स में एपोसाइनेसी में आता है सदाबहार कैथरेंथस जो बोलते हैं हम एस्क्लिपेडेसी इसमें आक इसमें भी लेटेक्स प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस आता है इसमें फिर है कॉनवॉलिससी इसमें जैसे आइपोमिया फिर सोलेनेसी सोलेनेसी में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है सोलेनेसी में पिटूनिया टोमेटो ब्रिंजल ये सोलेनेसी में आते हैं फिर है एकेंथेसी, एकेंथेसी के बाद है कई सारी फैमिलीज़ हैं एकेंथेसी में एडाटोडा आता है फिर है लेमिएसी, लेमिएसी में तुलसी लेबियटी भी कहते हैं हम इसे तुलसी आती है इसमें फिर चिनोपोडिएसी, जो है पालक बथुए की फैमिली होती है चीनोपोडियम चिनोपोडिएसी, फिर यूफोरबीए ये फोर बी में जो मोस्ट पॉपुलर प्लांट है वो कैस्टर अरंडी जिससे तेल मिलता है ये फोर बी ए यहाँ तक तो थी ये फैमिलीज़ डाई वाली अब ये जो लास्ट की तीन फैमिलीज़ हैं ये बोनोकॉट्स में आती हैं इसमें है, इस है लिलिएसी लिलिएसी में अनियन गार्लिक के आते हैं प्याज उसके बाद एरेकेसी सी इसे हम पामी फैमिली भी बोलते हैं पामी में आते हैं कोकोनट नारियल और पाम ट्रीज और लास्ट फैमिली जो है पोएसी बहुत लार्ज फैमिली है ये पोएसी मतलब ग्रामिनी ग्रामिनी में पल्स ये सॉरी सीरियल्स आते हैं ग्रासेज आती हैं गेहूं, बाजरा ये सब जो है ये पोएसी में आता है और जितनी भी ग्रासेज हैं ये सब आती हैं पोएसी में तो ये दो यूनिट्स तो हैं टक्सोनि की इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो है एम्ब्रियोलॉजी की तो थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है ऑन्टोजेनी ऑफ द फ्लोर फ्लावर पार्ट्स डेवलपमेंट एंड वेरिएशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टेपिटम टाइप्स एंड फंक्शंस डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स तो इसमें हमें एंथर के बारे में पढ़ना है एंथर पोलन ग्रेन इनका डेवलपमेंट क्या होता है इनका स्ट्रक्चर ये सब पढ़ेंगे इसमें हम और टाइप्स ऑफ ओव्यूल मेगा स्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट पॉलिनेशन पॉलिनेशन टाइप्स फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन तो इसमें ये ओव्यूल के टाइप्स वगैरह हैं ओवियुल डेवलपमेंट है पॉलिनेशन है पॉलिनेशन के टाइप्स फर्टिलाइजेशन ये सब इसमें हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट में और जो लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट उसमें एम्ब्रियो आ जाता है लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रीओ तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट है वो इसमें हम पढ़ेंगे दोनों तरह के एम्ब्रियोज़ के बारे में मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो फिर एंडोस्पम टाइप्स ऑफ एंडोस्पम एंडोस्पम मतलब भ्रूण पोश भ्रूण का टाइप्स डेवलपमेंट एंडोस्पम हॉस्टोरिया पोलियम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता जिसको हिंदी में कहते हैं पोलियोब्रियोनी इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी पार्थिनोकारपी एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अनिषेक जनन अनिषेक फलन ये सब जो है ये चौथी और लास्ट यूनिट में है तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट यूनिट फ़र्स्ट में स्टार्टिंग में ये कॉमन जनरल टॉपिक्स हैं ये इसमें तो यूनिट फर्स्ट हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से पढ़ना